शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हुआ मां? मुंह खुली? ये कैसा भोजन है? क्या हुआ? अनी, अनी, कुछ मिला है क्या उसने भोजन में? ले जाइए ये भोजन यहाँ से, हम ये भोजन नहीं कर सकते। माँ क्या हुआ है, दिखाइए हमें। माँ ये भोजन सही नहीं लग रहा है धीराज, लगता है उस लड़की ने हमसे बदला लेने के लिए भोजन में कुछ मिला है। हमारा कंठ जल रहा है, हमारे लिए शहद का और ठंडे पानी का घोल लेकर आइए, उससे आराम मिलेगा। जल्दी हम एक बार भोजन खाके देखते हैं। नहीं, हम नहीं चाहते कि आपको भी हमारी तरह कष्ट हो। पर माँ हमें खाकर देखना होगा कि उसने क्या मिला है इसमें। ठीक है, आप पहले हमारे लिए शहद और ठंडे पानी का घोल ले आइए, उसके बाद। ठीक है, अभी लाते। सुनिए ना, किसी दास से बनाने को कहिएगा, हम उस लड़की का चूहा पानी भी नहीं पी सकते, पता नहीं क्या मिला के दे दे हमें। आप चिंता मत कीजिए, हम खुद बना कर लाएंगे। आखिर कौन है ये लड़की, ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास? बात तो सेवा भक्ति धर्म के करती है और काम दुष्टों वाले। उसने जानबूझकर ऐसा भोजन बनाया जिसे खाकर मेरी मां को कष्ट पहुंचे। शक्ति है उस लड़की में जिसके दम पर उसने मुझे ललकारने की हिम्मत की है। चंद्रलेखा हूं मैं, वो डाकिनी जो अपार शक्तिशाली है, जिसका एक वार शैतानों के 100 वार पर भारी है, और ये एक इंसान होकर मुझसे टकराना चाहती है। लगता है उसकी मौत के दिन करीब आ रहे हैं। रानी माँ, आप जैसी शक्तिशाली डाकनी को चुनौती देने की हिम्मत कोई शक्तिशाली शैतान ही कर सकता है। किसी भी मामूली इंसान में ना तो इतनी शक्ति है और ना ही हिम्मत, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सब उस मामूली सी लड़की ने किया होगा। कनक, क्या बोल रही है? तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ, दंड भुगतना है क्या तुझे? किसने कहा चंद्रलेखा की बात को काटने को? हाँ, चुपचाप उसके हाँ में हाँ मिला।
देखिए सुनैना काली शक्तियों के घेरे में है, वो यहाँ कहाँ है ये बताना कठिन है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वो किस दिशा में है। पंडित जी बताइए ना, आप दिशा बता दीजिए, ये अंधी नानी अपनी जान लगा देगी उसे उस दिशा में ढूंढने में। रानी माँ वो मैं तो बस ये कह रही थी कि सही कह रही हो, उसने नहीं किया है ये सब। वो है क्या मेरे सामने? कुछ भी नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन कोई तो शक्ति है उसके साथ जिसने हम सबको शक्तिहीन कर दिया था। मैंने देखा है उसे, वो कोई शक्तिशाली शैतान नहीं, देवी की मूर्ति है। और शायद वो भजन, ये जो कुछ भी हुआ है वो मूर्ति और उस भजन के कारण हुआ है। कुछ तो है जिसने पहली बार चंद्रलेखा को शक्तिहीन किया है, चंद्रलेखा को डराया है। वो चंद्रलेखा जिससे डर को भी डर लगता है। हमें पता लगाना ही होगा। चंद्रलेखा हूं मैं, चंद्रलेखा, काला जादू की रानी, सबसे खतरनाक डाकिनी। जितनी खूबसूरत हूं उतनी डरावनी भी। मैं शपथ लेती हूँ, ना डरूंगी, ना हारूंगी, ना पीछे हटूंगी। और जिस शक्ति ने मुझे ललकारा है, मैं उस शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी। चंद्रलेखा, चंद्रलेखा संभालो खुद को, संभालो चंद्रलेखा। देखो अधिराज आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा, वो घर पर ही है। सुनैना दक्षिणी दिशा में है, जंगल के उस तरफ। पंडित जी आप इतने धरे धरे क्यों हैं? उस दिशा में कुछ ठहरावना है क्या? महल दक्षिण दिशा में वो महल हुआ करता था। ना चाहते हुए भी मुझे अपने इस रूप में आना पड़ा। जब तक मैं इस लड़की की सच्चाई नहीं जान लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मानती हूँ ये सब उसके बस की बात नहीं, और जब से ये आई है तब से मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ गई हैं। पहले मेरा महाहवन असफल हुआ और फिर मेरी शक्तियाँ क्षीण हो गई। ये सब कैसे हुआ? कौन कर रहा है ये सब? हे महायंत्र, बताओ मुझे, बताओ, आज मुझे सारी सच्चाई जाननी है। कौन है ये लड़की? कैसी शक्ति है इसके पास? और अगर ये नहीं तो कौन है? दिखाओ मुझे, दिखाओ महायंत्र, दिखाओ।
सुलेखा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इससे पहले हमें जब भी किसी के बारे में जानने की जरूरत पड़ी, हमने इस महायंत्र का प्रयोग किया और हमें उसकी स्पष्ट रूप से छवि दिखने को मिली। पर इस बार ये यंत्र भी काम नहीं कर रहा है चंद्रलेखा। कुछ तो है इस लड़की में। मैं हमेशा से जानती थी कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, पर मुझे ये पता लगाना है कि ये लड़की कौन है। अब मैं ऐसे मंत्र का प्रयोग करूंगी जिसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियां घुटने टेक देती हैं। उस शक्ति से मैं उस लड़की की सारी सच्चाई का पता लगा लूंगी। अब दिखाई देगा उस लड़की का असली चेहरा। पहुंच गई, कल हमारे राज तक पहुंच जाएगी।